इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में जो फर्स्ट T20 था वो तो एकदम रोमांचक था ही, लेकिन सेकंड T20 भी बहुत ज्यादा रोमांच से भरपूर था। और यहाँ पे श्रीलंका की पहले बल्लेबाजी आई थी, हालांकि उन्होंने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। अगर हम बात करें निजी स्कोर की तो निशंका ने बनाए 33 रन, हालांकि उन्होंने रन बॉल से भी कम जो है उनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन कुशल मेंडिस ने मात्र 31 गेंदों में 52 रन बनाए और श्रीलंका ने यहाँ पे 19 गेंदों में 37 रन बनाए। और उसके बाद कप्तान ने कप्तानी पारी खेली, 22 गेंदों में 56 रन बनाए और इसी के चलते यहाँ पे श्रीलंका का टोटल स्कोर जो है 206 पे पहुंच गया। और अगर फॉल ऑफ विकेट्स की बात करें इंडिया की तरफ से, चाहल ने 1 विकेट ली, अक्षर पटेल ने 2 विकेट्स लिए और हालांकि शिवम मावी काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए और उमरान मलिक ने 3 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनकी भी इकोनॉमी जो है वो 12 के आसपास की रही, बल्कि तकरीबन 12 की ही रही। अगर हम बात करें फॉल ऑफ विकेट्स की तो पहले विकेट के लिए साझेदारी 80 रन की हुई, पहला विकेट 80 रन पे जाके गिरा, दूसरा 83 पे, तीसरा 96 पे, उसके बाद चौथा विकेट 110 पे, पांचवा विकेट 138 पे और छठावी विकेट जो है 138 पे गिरा। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही कमाल की साझेदारी हालांकि 7वीं विकेट के लिए भी हुई, जो कि कभी भी टूटी नहीं है अभी तक इस मैच में। यानी इस मैच में 206 रन का बहुत बड़ा टोटल उन्होंने खड़ा कर दिया। उसके जवाब में इंडिया की पारी शुरुआत में तो एकदम से बिखर सी गई थी, क्योंकि आते ही पावर प्ले में ईशान किशन, शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी और हार्दिक पांड्या जो कप्तान भी थे नहीं चले 34 रन पे, ये 4 विकेटें इंडिया ने गवा दी थी। उसके बाद दीपक हुडा भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाए और 57 रन जब टीम का टोटल स्कोर था तब वो भी आउट हो गए, उन्होंने भी मात्र 9 रन का योगदान दिया। लेकिन उसके बाद एक ट्विस्ट आया एक मैच में, यहाँ पे अक्षर पटेल ने 65 रन की पारी खेल दी और उसके बाद जो अक्षर पटेल में और यहाँ पे सूर्य कुमार यादव में बहुत ही कमाल की पार्टनरशिप हुई थी, हालांकि उस पार्टनरशिप को तोड़ दिया गया। लेकिन पार्टनरशिप ने एक बार तो उम्मीद जगाई थी, क्योंकि 148 पे 6 विकेट गिरी थी, यानी 91 रन की जो पार्टनरशिप है बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप हुई थी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरता एक कैच के रूप में और उसके बाद हालांकि शिवम मावी भी कुछ थोड़े से शॉट्स लगाते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है 189 पे अक्षर पटेल की विकेट गिरती है और तब इंडिया की उम्मीदें जो है समाप्त हो गई थी। तो और अंतिम गेंद पे यहाँ पे 190 पे शिवम मावी की भी विकेट गिर जाती है। इसी के साथ श्रीलंका ने इस मैच को 16 रन